हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूएस। अभी नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने ये कहा है कि उसने कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है रेडियो एक्टिव सुनामी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आखिर रेडियो एक्टिव सुनामी होती क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार जो न्यूक्लियर वेपन है वो डेवलप कर रही है, और क्या ऐसा वेपन क्रिएट किया जा सकता है जिसके माध्यम से सुनामी जनरेट हो जाए। ऐसे पहले भी कई बार प्रयास वर्ल्ड वॉर के समय भी किया गया था, लेकिन जो वेपन्स हैं वो डेवलप ऐसे नहीं हो पाए थे जिसके माध्यम से ऐसे सुनामी जनरेट हो सके। ऑल दो बहुत बड़ा कोई आप बॉम्ब छोड़ दें या डाल दें तो फिर जरूर से डिस्टर्बेंस ओशन के अंदर क्रिएट होगी, बट वो रेगुलेटेड नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट ह्यूज हो सकता है और बहुत जगह हो सकता है। तो इसको डिस्कस करते हैं। नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि उसने एक अंडरवाटर अटैक ड्रोन डेवलप किया। ड्रोन मतलब अनमैन व्हीकल है, इसको किया और इसको डेवलप किया और जाके समुद्र के नीचे जाके वो हिट कर देगा। एक बार जब समुद्र के नीचे जाके हिट करेगा तो जैसे ही वो हिट करेगा तो जो उसकी कैपेबिलिटी है वो इतनी हायर है उस ड्रोन की कि इट विल जनरेट अ रेडियो एक्टिव सुनामी। यहाँ पे रेडियो एक्टिव सुनामी का मतलब क्या है कि अगर वो ड्रोन के सामने न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब न्यूक्लियर वेपन लगा हुआ है, वो न्यूक्लियर वेपन जाके उसमें विस्फोट होगा और फिर जो सुनामी है वो सुनामी आपकी जनरेट होगी। अब ऐसी कैपेबिलिटी क्यों नॉर्थ कोरिया क्लेम कर रहा है, क्योंकि उसने फुटेज दिखाया। फुटेज में जो वहाँ के आप कह सकते हैं कि कर्ता धर्ता किम जोंग उन है, उसने टीवी में ये चीज़ शो की गई कि देखो इस प्रकार का एक ड्रोन है, वो ड्रोन केपेबल इनफ है कि सुनामी प्रोड्यूस कर सके अगर उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन लगा दिया जाए, न्यूक्लियर वॉरहेड लगा दिया जाए जिसे रेडियो एक्टिव सुनामी कहा जाए। तो ये क्यों किया गया, इसके पीछे जो एक रीजन हाईलाइट किया गया है वो है कि कंटिन्यूस बेसिस में जो यूएस और साउथ कोरिया की जो मिलिट्रीज हैं उनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें उनकी तीनों फोर्सेस हैं एक्सरसाइज कर रही हैं और बहुत ही क्लोज है, कोरियन पेनिनसुला के अंदर हो रहा है। ऑलरेडी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन है, नॉर्थ कोरिया यूएस के बीच में टेंशन है, तीनों फोर्सेस वहां पे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, यूएस रशिया का टेंशन है, यूएस चाइना का टेंशन है। तो इस प्रकार की कैपेबिलिटी जो है वो शो करना चाह रहा है नॉर्थ कोरिया, और कहना चाह रहा है कि देखो हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन यूएस एंड साउथ कोरियन मिलिट्रीज। इसी कंटेक्स्ट में एक पिक्चर भी रिलीज किया गया जिसमें अंडर वाटर एक्सप्लोजन हो रहा है और एक्सप्लोजन के बाद सुनामी जनरेट की जा रही है, और जो किम है वो नॉर्थ कोरिया के जो कर्ता धरता वो जो है एडमायर भी इस चीज को कर रहा है कि लोगों को पता चले कि देखो हमने ये नया वेपन भी डेवलप कर लिया है। इसमें ये कहा गया कि जैसे अगर रेडियो एक्टिव सुनामी प्रोड्यूस करनी है तो जो वेपन इस्तेमाल होगा उस वेपन को हिट किया जाएगा, 60 घंटे पहले वो हिट करेगा और कुछ नीचे जाएगा, नीचे जाके वो उसमें कुछ एक्सप्लोजन होगा और फिर उसके बाद ही सुनामी आपकी जनरेट होगी, ये चीज हाईलाइट की गई है। ऐसी कैपेबिलिटी क्यों डेवलप किया जा रहा नॉर्थ कोरिया के द्वारा, नॉर्थ कोरिया कहना है कि मान लो कभी युद्ध होता है तो हम इस प्रकार की एक सेंट्रिक सुनामी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो सुनामी जैसे मान लो कोरियन पेनिनसुला है वहां पे साउथ कोरिया या कोई भी उनकी दुश्मन जो कंट्री है उनके पोर्ट्स को अफेक्ट कर सकती है, उनकी जो नेवल फोर्सेस है उनको अफेक्ट कर सकती है, कोई शिप आ रही है उसको अफेक्ट कर सकती है, पोर्ट्स को डैमेज कर सकती है। इस प्रकार की कैपेबिलिटीज जो है वो नॉर्थ कोरिया क्लेम कर रहा है कि वो डेवलप कर रहा है बाय सच टाइप ऑफ जो एक्सपेरिमेंट है उसने कंडक्ट किया है। और यही कारण भी है क्योंकि जो एक डर पैदा करने का प्रयास किया गया, मान लो यूएस साउथ कोरिया ने अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज की 11 दिन की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है तो जिसका नाम फ्रीडम शील्ड रखा गया है, तो जो एक्सरसाइज की तो एक प्रकार से डेटरेंस के रूप में यह डर पैदा करने का प्रयास किया गया उस रीजन के अंदर। तो नॉर्थ कोरिया ने भी इसको रिप्लाई करने का प्रयास किया कि देखो आप ऐसा कर रहे हो तो हमारे पास भी ये कैपेबिलिटी है। इस एक्सरसाइज की बात की जाए यूएस और साउथ कोरिया के बीच में किया जा रहा, तो ये बिगेस्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज है बाय क्लोज एलाइज इन 5 years, एंड इसमें कई प्रकार की चीजें की गई हैं, जैसे एम्फीबियस लैंडिंग है तो प्लेन है लैंड कर रहा है, जो आपके लाइव फायर टैंक्स हैं उनको दिखाया गया है, मतलब एक प्रकार से अपने पावर को शो किया गया है। इससे पहले भी सुनामी बॉम्ब बनाने का प्रयास किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और इसे टेक्टोनिक वेपन के रूप में इस्तेमाल करना
जिससे कि डिस्ट्रक्टिव सुनामी क्रिएट की जा सके, मतलब एक वेपन ऐसा डेवलप करना कि डिस्टरबेंस समुद्र में क्रिएट किया जाए और उसके बेसिस पे सुनामी क्रिएट करना, सुनामी को भी फिर एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करना कि आसपास के सारी जगहों का को डैमेज कर सके। तो ये सुनामी बॉम्ब का कंसेप्ट पहले भी वर्ल्ड वॉर टू के समय इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया था। ये आइडिया आया कब था, मतलब वर्ल्ड वॉर के समय, कि यूएस के नेवी ऑफिसर ईए गिम्सन करके था, उसने नोटिस किया एक प्रोजेक्ट में कि एक कोरल रीफ को क्लियर करने के लिए बॉम्ब डाला गया था, जिससे कोरल रीफ तो डैमेज हुआ बट उससे जो सुनामी वो भी जनरेट हुई, छोटी सुनामी टाइप सिचुएशन जनरेट हुई। तो उसके मन में आया कि हम इसको एक वेपन के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सोच यूएस की पहले रही है, हो सकता है कि कैपेबिलिटी रशिया ने ऑलरेडी डेवलप की है और उसने फिर नॉर्थ कोरिया को भी प्रोवाइड कर रहा हो। सो ये आइडिया भी बेसिकली डेवलप भी किया गया था यूनाइटेड स्टेट और न्यूजीलैंड मिलिट्री के द्वारा, और एक प्रोग्राम कोड है जिसका नाम प्रोजेक्ट सील रखा गया था। ये जो वेपन का कंसेप्ट है, वेपन कंसेप्ट वो फिजिबल भी कंसिडर किया गया था और ये प्रयास किया गया था कि जो वेपन्स हैं ये पूरे तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं, ऑल दो कभी यूज नहीं किया गया लेकिन फिर भी डेवलप किए जा सकते हैं और सुनामी बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइडिया ही यूएस का रोल रहा है इस आइडिया को डेवलप करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, सो थैंक यू एवरीवन, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, अगर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यू हैव टू यूज द कोड SPLIV और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ग्रेट ऑफर भी चल रहा है आज, जो 40% ऑफ का लास्ट डे है। तो आईएएस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से अनअकैडमी से जुड़े, यूज द कोड SPLIVE।